आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जिसपे आम आदमी पार्टी के तरफ से नाराजगी जताई गई है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। इसी बीच सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पुलिस के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई है। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट कर अपना पक्ष रखा, जिसमें पुलिस ने कहा कि ये गलत आरोप है, सुरक्षा के दृष्टि से ऐसा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पावर की जंग देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया, जिसके बाद केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गई। साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो के कैप्शन के बाद ट्वीट किया। पार्टी ने लिखा कि पीएम मोदी और दिल्ली पुलिस को सर माननी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इतनी हिम्मत कैसे हुई मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार।